नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, लेकिन आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा दोस्तों, संज्ञा के एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों हम इसमें कराएंगे। 20 दोस्तों क्वेश्चन होंगे इसमें, 15-20 क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम देख लेंगे, आप एक एक करके उनके आंसर दे चलना। जैसा कि हमने आपको बोला था कि दोस्तों जैसे ही चैप्टर आपके हो जाएंगे तो हम आपको क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे। तो आपके चैप्टर कौन कौन से हो गए दोस्तों, आपके चैप्टर संज्ञा कंप्लीट हो गई और सर्वनाम हो गया दोस्तों, सर्वनाम हो गया है। तो इनके दोस्तों आपको क्वेश्चन आज हम संज्ञा के क्वेश्चन दोस्तों करा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा के क्वेश्चन से। जब तक दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में, संज्ञा के दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कर दें जिससे कि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है दोस्तों। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो दोस्तों राज्यपाल जो है, राज्यपाल एक क्या है दोस्तों, ये एक पद है। क्या दोस्तों, एक पद है जिस पर दोस्तों जो राज्य का जो होता है दोस्तों, एक व्यक्ति बैठता है राज्यपाल पर। तो दोस्तों उस पर महिला भी बैठ सकती है, पुरुष भी बैठ सकता है। तो ये एक पद दोस्तों किस में आएगा, एक जातिवाचक में आएगा। किसमें, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों राज्यपाल। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक दोस्तों संज्ञा आपको बतानी है। तो भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। क्या दोस्तों, भारत, लड़का, भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। तो दोस्तों भारत जो है वो देश का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दोस्तों जो लड़का है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और दोस्तों पेड़ ये भी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों बचा कौन सा आपका, मित्रता। तो मित्रता आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा दोस्तों मित्रता हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप क्वेश्चन को लगाएं दोस्तों, इसका क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है दोस्तों, क्वेश्चन गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, भाववाचक संज्ञा, विशेष्य, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों गरीब, गरीब क्या है दोस्तों, एक तो गरीब होता है दोस्तों, तो गरीब शब्द जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। तो दोस्तों बुढ़ापा का पूछ रहा है, बुढ़ापा की दोस्तों संज्ञा पूछ रहा है इसकी, बुढ़ापे की। तो दोस्तों बुढ़ापा हो जाएगा आपका क्या, भाववाचक संज्ञा, कौन सा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों बुढ़ापा, बुढ़ापा आपका, आपका बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो दोस्तों इसका आंसर दें जल्दी से आप, क्या हो जाएगा लड़का दौड़ता है। तो दोस्तों लड़का क्या है, अभी तो हमने आपको बताया था व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है कि भाववाचक है। तो दोस्तों लड़का जो है, लड़का, लड़की, तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएंगे जातिवाचक, क्या हो जाएंगे दोस्तों, जातिवाचक।
दोस्तों लड़का का क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं मनुष्य, जवान, लड़का, सुंदर। तो दोस्तों मनुष्य जो है, मनुष्य, जवान, बालक और दोस्तों सुंदर। तो दोस्तों मनुष्य ये तो जातिवाचक है, आप सभी को पता जातिवाचक संज्ञा है। जवान जैसे आप बनोगे बीएसएफ में दोस्तों, जवान क्या हो जाएंगे, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और दोस्तों बालक ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दोस्तों सुंदर हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर दें। और ये जो 20 क्वेश्चन दोस्तों आज हम करेंगे तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर एसएससी टाइप पे। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, ममता, वकील, पुस्तक। ऑप्शन बी राम, रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन सी कृष्ण, कामयानी, बुढ़ापा। ऑप्शन डी लखनऊ, आम, बुढ़ापा। तो दोस्तों जो बुढ़ापा है वो हमने आपको किसमें बताया था, बुढ़ापा किसमें बताया था, भाववाचक में। तो ये ऑप्शन डी तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं ऑप्शन सी के ऊपर, कृष्ण दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक है कृष्ण। कामयानी ये भी दोस्तों व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मिठास जो है दोस्तों ये आपका व्यक्तिवाचक नहीं होगी, ये भाववाचक हो जाएगी मिठास। ऑप्शन बी पर चलते हैं दोस्तों, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये दोस्तों तीनों ही राम, रामचरितमानस और दोस्तों गंगा, ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। तो हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। और दोस्तों ऑप्शन ए जो है ममता, वकील और पुस्तक, ममता, वकील और पुस्तक। तो दोस्तों ये जो है ममता, अगर किसी का नाम है, नाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन ये भाववाचक भी होता है, वहां की ममता दोस्तों ऐसे करके वाक्य में आए तो ये भाववाचक हो जाएगा। वकील दोस्तों क्या है, एक जातिवाचक हो जाएगा, और पुस्तक भी दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों नेपोलियन किस प्रकार की, नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों नेपोलियन एक नाम है, लेकिन ये किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए दोस्तों प्रयोग किया गया है। तो एक व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं दोस्तों, जब ऐसे शब्दों को हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों, क्या जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी के लिए किसी का नाम दोस्तों इस्तेमाल किया जाए तो वहां क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से आप सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, जिस संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों जो एक ही प्रकार की, जैसे मान लेते हैं लड़का, तो ये व्यक्ति है एक ही प्रकार के, लड़के लड़के इसमें होंगे दोस्तों, जैसे पेड़, दोस्तों इसमें पेड़ ही पेड़। वस्तु मान लेते हैं खिलौना, क्या दोस्तों खिलौना। तो दोस्तों इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। कौन से दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है दोस्तों इसमें, जो कि
वस्तु और व्यक्तियों का बोध कराते हैं दोस्तों। एक ही प्रकार के खिलौना अगर हमने शब्द दे दिया तो इसमें तो सारे खिलौने आ जाएंगे, बहुत सारे खिलौने आएंगे। पेड़ में दोस्तों सब आ जाएंगे, नीम, पीपल, शहतूत, बरगद, दोस्तों इसमें सब आ जाएगा। लड़का में कमल, विक्की, अंकित, सचिन, दोस्तों ये सब आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। कौन सा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें प्यारी शब्द जो भाववाचक हो जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। कौन से दोस्तों? भाववाचक संज्ञा शब्द पूछे। तो आपको बताइए, ऑप्शन पढ़े पहले तो, धैर्य चालाकी उदासी सूर्य, धैर्य चालाकी उदासी सूर्य, अमीर गरीब, समूह मिठास, जवानी खट्टास, पुस्तक गंगा, रसीला कड़वाहट, बुढ़ापा उन्नति। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप कैसे कर सकते हैं, एक तरीका और है, क्या है कि इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट यानी कि इनको छांट कर कौन सा नहीं हो सकता है। होने के लिए दोस्तों देखेंगे तो आपको परफेक्ट दिखना होगा, लेकिन एलिमिनेट से दोस्तों एक एक अंको गलत में जाए उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। दोस्तों ऊपर वाले में देखते हैं, धैर्य चालाकी उदासी सूर्य। दोस्तों एक चीज देखें, सूर्य सूर्य जो है कितने होते हैं, सूर्य एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ये। तो यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन बी को और देखते हैं दोस्तों, अमीर गरीब, समूह मिठास। अब दोस्तों इसमें समूह हमको दिख गया, क्या समूह? तो दोस्तों जब समूह इसमें है तो ये किसमें चला जाएगा? समूहवाचक में। किसमें दोस्तों? समूहवाचक में, समूहवाचक सर्वनाम संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, सर्वनाम नहीं संज्ञा। दोस्तों ये इसमें आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन सी पर चलते हैं, जवानी खट्टास, पुस्तक गंगा। तो दोस्तों एक चीज हमको दिखी, क्या ऑप्शन सी में? गंगा। क्या दोस्तों? गंगा। तो गंगा एक नदी का नाम है, क्या दोस्तों? गंगा एक नदी का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। अब बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन डी बचा। तो दोस्तों यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से दोस्तों? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये ऑप्शन डी दे रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों में। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो जल्दी से बताएं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, दौड़, कक्षा, सभा, भीड़। दोस्तों ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? दौड़, कक्षा, सभा, भीड़। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, हमने आपको बताया है, जल्दी से आप रिवाइंड करें। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो समूह हो दोस्तों, ज्यादा लोग इकट्ठे हो, वही हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। तो अब दौड़ में दोस्तों देखें तो दौड़ कोई समूह में थोड़ी नहीं, अकेले जाकर इंसान दौड़ देता है बिल्कुल दौड़ देता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन पे देखते हैं दोस्तों, कक्षा, अकेला कोई इंसान पढ़ रहा हो तो दोस्तों उसको कक्षा कहेंगे? विद्यार्थियों का दोस्तों जो समूह होता है उसी को तो कक्षा कहते हैं, बिल्कुल सही है। सभा, कई लोग बैठकर सभा करते हैं दोस्तों। भीड़, बहुत लोगों की इकट्ठा दोस्तों जो वोट होता है उसको भीड़ कहते हैं हम।
तो यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ें आप और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें दोस्तों। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? मिठाई, दूध, ठंड, खटाई। तो दोस्तों मिठाई, दूध, ठंड और खटाई। तो दोस्तों इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूध। ये तो दोस्तों हमने जब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा कराई थी तो दोस्तों उसमें एग्जांपल में भी बताया था दूध हमारा क्या होता है दोस्तों? एक तरल पदार्थ होता है। तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, दुग्ध या दूध। दूध दोस्तों, ऐसे दूध, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो दोस्तों ये विशेषण दिए हुए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुशासन, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य। तो दोस्तों ये आपका चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से आपका सही आंसर दोस्तों संज्ञा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए, अनुशासन। अनुशासन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए, अनुशासन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, गहरा, हरा, पतला, सवा। गहरा, हरा, पतला, सवा। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था सवा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा है। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, द्रव्य तो दोस्तों वह नहीं है। व्यक्तिवाचक, गाय का कोई नाम नहीं है। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक वो अभी कहता कि काली गाय, या गाय का कोई नाम रख दे दोस्तों तो बोले। और जातिवाचक, वाहवाचक। तो दोस्तों जातिवाचक गाय क्या हो जाएगी हमारी? जातिवाचक हो जाएगी। कौन सी दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी गाय। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सी वाहवाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी वाहवाचक संज्ञा है? मोहन, लड़का, बीमारी, दिल्ली। तो दोस्तों मोहन क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़का जातिवाचक, दोस्तों अभी हमने डिस्कस किए हैं कई सारे एग्जांपल। और दिल्ली दोस्तों क्या है? एक स्थान का नाम है। जब हमने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कराई थी तो उसमें भी बताया था दोस्तों दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो बीमारी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बीमारी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीमारी कैसी है दोस्तों? वाहवाचक संज्ञा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? बहुवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग। तो दोस्तों जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो हमेशा एकवचन पुल्लिंग में होती है। क्या दोस्तों? एकवचन पुल्लिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बपोता, बापा, बापती, बपोती। तो दोस्तों इसको तो आप कर ही सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बपोती कहते हैं दोस्तों, आपने सुना भी होगा ये सब, बपोती। दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बचा दोस्तों, पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द है, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों ऑप्शन बी का आप कमेंट में आंसर दें, ऑप्शन बी का कमेंट में दोस्तों आंसर दें। और वीडियो आपको कैसी लगी ये बताएं कमेंट करके। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।